अच्छा मौसमी जी, एक रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे कोरियोग्राफर्स हैं उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल डेडिकेशन तैयार किया है, प्लीज बुरा ना माने तो कैन यू प्लीज कम ऑन स्टेज विद अस। मुझे गोदी में उठा के लेके जाओ, दो बैग जा सकते हो। अभी मैं गिर गई। आप नहीं गिरे? नहीं, 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 मैं मार खाऊंगा। मैं संभाल लूंगा। परसों मैंने दादा को उठाया था। तू गिर गया था? नहीं, ये गिरा हुआ है, मैं कैसे गिरूंगा? ये गिरा हुआ है, ये लगता ही है शक्ल से। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो सभी कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। जब जब तू चुप जाती है इन फूलों की गलियों में, और चटकने लगती है कितनी कलियों में। मैं तेरा पता सभी से ऐसे पूछता हूँ, जैसे मैं कोई भूला राही मंजिल को ढूंढता हूँ। मैं तेरे प्यार में पागल 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 पागल। वादा करो जानम, ना छोड़ोगे ये दामन, जमाना चाहे छूटे, बांधी है जो दिल से अब ये डोर, जिंदगी भर न टूटे। वादा करो जानम, ना छोड़ोगे ये दामन, जमाना चाहे छूटे। मैं सुबह से ना बहुत डरी हुई थी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद बाहर आई। अच्छा। और मेरी बेटी हमेशा बोलती रही, अरे अब चलो अभी बस सब ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बाहर निकलना चाहिए, आप लोगों से मिलना चाहिए, मुझे और एक मौका चाहिए। थैंक यू। मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। ऐसे कैसे मैम, एक बार जोरदार तालियां मैम। देखो, थैंक यू। मुझे सोनाली से भी बहुत प्यार है। हाँ जी। और उसमें एक बात है जी, जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आई थी ना, हाँ, तब मुझे किसी ने बोला है, सोनाली बहन जी आपका कौन लगते,
ऐसे सोनाली भी नहीं, आपके जैसे दिखते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना, कोई मेरे जैसे बोले तो कॉम्प्लीमेंट लगता है, बट टुडे आई फील आई गेट अ कॉम्प्लीमेंट बिकॉज आई लुक लाइक गॉडली। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। अरे मामू, ए मामू, हमारे सारे फूल लोग ले लिए, हमारे पास टमाटर बचाई आपके लिए। यार तू खा ले घर जाते जाते। मौसमी जी, आपके ही कुछ जो को एक्टर्स और को स्टार्स रहे हैं उनकी कुछ तस्वीरें दिखाते, फिर कुछ सवाल पूछेंगे आपसे। मैम प्लीज ये देखिए, जैसे ये हैं, ये हमारे सारे लेजेंडरी एक्टर्स जिनके साथ आपने बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में की हैं, तो सबसे ज्यादा मस्ती खोर कौन थे? मेरे साथ किसी ने पंगा नहीं लिया ना। Because prankster was her. Absolutely. So, मुझसे पंगा कोई नहीं लेते थे, but I can only say for my point of view, I'm a very lucky person that I could work with these people. I had a great respect from a long time. That was Sanjeev Kumar. Because I like his humanity. ये एक एक्टर है जिनके मैं बेटी भी बनी, बीबी भी बनी और भाभी भी बनी। His full name is हरी भाई जरीवाला। I used to always call him हरी भाई जरीवाला। तो बहुत हंसता था। मैं आपसे अगला सवाल ये पूछने वाला था कि इनमें से लेट कौन आते हैं? लेट आते शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ हाँ आपने कब देखा हमें लेट आते हुए? को दिखाई भी नहीं देता घर ही, क्योंकि वो हमेशा ऐसा रहता है। लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा खूबी है, वो आप एक पेज का डायलॉग दे दो और 14 पेज का डायलॉग दे दो, यूं ही करके वो बोल दे। याद भी याद है मुझे। उसके बाद राजेश खन्ना। सेम, उन दोनों में कंपटीशन हो। कंपटीशन। राजेश खन्ना 9:30 शिफ्ट में, राजेश खन्ना के साथ जो डायरेक्टर होता था वो आता है 1:30 बजे, क्योंकि रात को वो उनके साथ बैठे हुए थे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।